أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صدق الله العظيم. بفضله تعالى پہلی تراوی مکمل ہو گئی. رمضان المبارک کا یہ برکت والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ شروع ہوا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ گزشتہ سال کی طرح آپ کی خدمت میں روزانہ تفسیر تو کیا ہے، تذکیر ہے، یہ پیش ہوتی رہے گی. آپ دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ یہ مبارک سلسلے کو جاری ساری رکھے اور جملہ مسلمانان عالم کو ہر قسم کے امراض، شرور، فتن سے محفوظ اور امن و امان میں رکھے. سوچا کہ جہاں سے تفسیر باقی ہے وہیں سے آگے سلسلہ جاری رکھا جائے، کوئی نیا سلسلہ شروع کرنے کے بجائے. آج جو آیات کریمہ تلاوت ہوئی ہیں اس کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ بشر نامی منافق جس نے اپنے جھگڑے کے فیصلے کے لیے پہلے کعب ابن اشرف یہودی کی تجویز کیا، پھر مجبور ہو کر ساتھی یہودی کے دباؤ سے حضور کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا فیصلہ بشر کے خلاف تھا، یہودی کے حق میں تھا چونکہ وہ حق پر تھا. دوبارہ فیصلہ کرانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گردن اڑا دی اور کہا کہ یہ منافق ہے، پکا ایمان والا، حضور کے فیصلے پر راضی رہنے والا ہوتا ہے، اور حضور کے فیصلے پر جسے اطمینان ہو وہ ایمان والا ہے، نہ ہو وہ سچا ایمان والا ہی نہیں ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے. مدینہ منورہ میں یہود بھی رہتے تھے، منافقین بھی تھے. یہ جانے والا اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہتا تھا لیکن حقیقت میں اندر سے وہ مسلمانوں کا دشمن تھا.
लेकिन काउंट चूंकि मुसलमान होता था इसलिए यहूदियों ने मुसलमानों को आर दिलाई कि तुम कैसे लोग हो कि जिसको रसूल मानते हो उसकी इत्तबा के दावेदार हो मगर उसके फैसलों को तस्लीम नहीं करते, चूंकि बिशर ने हजरत उमर के पास खुद का फैसला ले जाने का इरादा किया था। यहूदी आर दिलाने लगे कि हमको हजरत मूसा अलैहि सलातो वस्सलाम के जमाने में गौशाला परस्ती के सिलसिले में यह हुक्म मिला था कि तुम में से एक दूसरे को कत्ल करो, तो हमने इस शदीद हुक्म की तामील भी की, यहां तक के हमारे 70,000 70,000 आदमी मारे गए। अगर तुम्हें ऐसा कोई हुक्म मिलता तो तुम क्या करते? इस पर आयत नाजिर हुई वलव अन्ना कतबना अलैहिम, यानी इन मुनाफिकीन का, ये आम लोगों का जिनमें काफिर और मोमिन सब दाखिल हैं, यही हाल है कि अगर इनको बनी इसराइल की तरह सख्त और खुदकुशी का हुक्म होता या तर्क वतन का हुक्म दिया जाता तो इनमें से बहुत कम लोग अहकाम की तामील करते, इस हुक्म को बजा लाते। इस आयत करीमा में उन लोगों को सख्त तंबीह है जो अपने झगड़ों का फैसला रसूलुल्लाह या शरीयत को छोड़कर दूसरों की तरफ ले जाते हैं, और यहूद के तान का जवाब भी है कि यह हाल मुनाफिकीन का है, पक्के मुसलमानों का हरगिज यह हाल नहीं है। और शाहिद इसका यह है कि जब यह आयत नाजिल हुई तो साहब किराम में से एक साहब ने कहा अल्लाह ने हमें इस आजमाइश में नहीं डाला। सहाबी का यह कलमा हुजूर को पहुंचा, आपने फरमाया मेरे उम्मत में ऐसे लोग भी हैं जिनके दिलों में ईमान मजबूत पहाड़ों से ज्यादा जमा हुआ है। इब्ने वहब रहमतुल्लाह अलैह का ख्याल है कि ये कलमा हजरत अबू बकर सिद्दीक का था, क्योंकि एक रिवायत में है कि हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने यह आयत सुनकर कहा कि अगर यह हुक्म नाजिल होता तो खुदा की कसम मैं सबसे पहले अपने घर वालों को कुर्बान कर देता। बाज रिवायतों में है कि आयत के नाजिल होने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये हुक्म खुदकुशी या तर्क वतन का अल्लाह की तरफ से आ जाता हुक्म तो इब्ने उम्मे अब्द यानी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु जरूर इस पर अमर करते। ये तो खुद को कत्ल करने के सिलसिले की बात थी, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म से जो अल्लाह की तरफ से आया था 70,000 यहूदी मारे गए थे, ये वाकया सूरह बकरा में गुजर चुका है। गौशाला परस्ती की सजा में उनको ये कत्ल का सामना करना पड़ा था। रह गया तर्क वतन, तो सहाबे किराम ने तो इस पर अमल करके दिखला ही दिया था, अपना वतन मक्का और अपनी तमाम जायदादें तिजारतें छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत की।
बाज हबशा चले गए, तो इस पर तो कुल्ली तौर से सच्चे मुसलमानों ने अमल किया है, मुहाजिरीन ने अमल किया है। आखिर आयत में फरमाया कि ये काम अगरचे मुश्किल है लेकिन अगर वो हमारे फरमान के मुताबिक इसको मान ले तो अंजाम कार यही उनके लिए बेहतर होगा, और ये अमल इनके ईमान को मजबूत कर देगा। और अल्लाह ताला फरमाते हैं हम सवाब अजीम अता करेंगे और उनको राह रास्त पर चलाएंगे। इसके बाद आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की इताअत करने वालों के दरजात अजीमा का बयान किया है और बशारत यह दी कि जन्नत में अंबिया, सिद्दीकीन, शोहदा, सालिहीन के साथ ऐसे लोगों का हश्र होगा। इस आयत के शाने नुजूल में एक खास वाकया है और इसकी तफसील अंबिया, सिद्दीकीन, शोहदा, सालिहीन के चार दरजात जिनका इस आयत में जिक्र है उनकी तशरीह और जन्नत में उनके साथ होने की तफसीर आ रही है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की खास इताअत करें उनसे वादा है कि वो मुनाम अलैहिम लोगों के साथ रहेंगे। मुनाम अलैहिम कौन है? अंबिया, इंसानों में सबसे बुजुर्ग लोग जिनका काम है इंसानों को अल्लाह के दीन की दावत देना, वो नबी कहलाते हैं, जिन पर वही आती है और वो अल्लाह के अहकाम पर पूरी तरह से अमल पैरा होते हैं। दूसरा है सिद्दीक, सिद्दीकीन वो हैं जो बगैर किसी दलील के नबी की नबूवत को तस्लीम करते हैं, उसकी तस्दीक करते हैं, उसको बिला चून और चेरा मानते हैं, जैसे हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला हो। शोहदा ये तीसरे नंबर के लोग हैं जिन्होंने अल्लाह की राह में अपनी जान और माल को कुर्बान कर दिया। फिर चौथे हजरत सुलहा हैं। सुलहा वो लोग हैं, सुलह जमा है सालेह की, सुलहा जो अपने जाहिर और बातिन में आमाले सालेहा के पाबंद हैं। नबी का मकाम और मर्तबा सबसे आला है इंसानियत में, वो अल्लाह के दीन का और तौहीद का दाई है और सिद्दीक बिला चून और चिरा, जैसे हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला ने बिला किसी दलील के हुजूर की तस्दीक की और अखीर तक की और जब जब मौका हुआ जब जब की, मेराज के मौके पर की, वही के मौके पर की। शोहदा वो लोग हैं जो अपना खून बहाते हैं तो सालिहीन के लिए अमल का रास्ता आसान हो जाता है। बहरहाल खुलासा ये निकला कि मुकम्मल इताअत करने वाले इन हजरात के साथ अल्लाह ताला का खुसूसी मामला होगा और ये मुअज्ज़ज़ीन और मुकर्रबीन में से होंगे और
और उनके चार दर्जे बताए, नबी, सिद्दीक, शहीद, साले। यह आयत करीमा एक खास वाकये की बिना पर नाजिल हुई है, जिसको इमादुद्दीन इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने नकल फरमाया है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक रोज एक सहाबी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दिल में आपकी मोहब्बत अपनी जान से भी ज्यादा है, अपनी बीवी अपनी औलाद से भी। बाज औकात में अपने घर में बेचैन रहता हूं जहां तक आपका दीदार न कर लूं, आपको देख न लूं। अब मुझे फिक्र ये दामनगीर है कि जब इस दुनिया से आपकी वफात हो जाए, मुझे भी मौत आ जाए, तो मुझे ये मालूम है कि जन्नत में आपका मकाम इंतहाई तौर पर आली होगा, ऊंचा होगा, अरफा होगा, और हम खुद्दाम और गुलाम हैं, हमारा दर्जा नीचे होगा। अव्वल तो ये मालूम नहीं कि जन्नत में पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, और पहुंच गया तो भी कहां आऊंगा। तो मुझे जन्नत में आपके दीदार के बगैर सबर कैसे आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, इसका कोई जवाब नहीं दिया। यहां तक कि आयत मज़कूरा नाजिल हुई, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا مُنْعَمْ عَلَيْهِمْ یعنی وہ لوگ جن پر اللہ کے خصوصی انعامات رہے ہیں رہیں گے۔ ये कौन लोग हैं, उनकी फहरिस्त में चार लोगों का तस्किरा फरमाया। सूरह फातिहा में हमने कहा था, सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम, अल्लाह ऐसे लोगों के रास्ते पर चला जो मुनाम अलैहिम है, जिन पर तेरे इनामात का सिलसिला जारी रहा है। उसकी तफसीर ये आयत करीमा का हिस्सा है कि भाई मुनाम अलैहिम लोग कौन है। ये चार लोगों को मुनाम अलैहिम, चार किस्म के लोगों को जिक्र फरमाया। ये चार लोगों के साथ, खाली नबी के साथ नहीं, ये चार लोगों के साथ गोया के रफाकत रहेगी। रफाकत की क्या शक्ल होगी, एक सूरत यह है कि अपनी अपनी जगह से एक दूसरे को देखेंगे, जैसा कि मुअत्ता में है कि अहले जन्नत अपनी खिड़कियों में से अपने से ऊपर के तबकात वालों को देखेंगे, जैसे दुनिया में तुम सितारों को देखते हो। दूसरी सूरत यह है कि ऊपर वाले नीचे वाले दरजात की मुलाकात के लिए आया करेंगे और मुजालसत होगी, हम नशीनी होगी, बैठना होगा, बातचीत होगी। क्या लुत्फ की बात है। ये भी मुमकिन है कि जो नीचे वाले दरजात वाले हैं उनको आला दरजात वालों के पास मुलाकात के लिए जाने की इजाजत मिल जाए, ये भी उनके लिए बड़ी बशारत है। और यही वजह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से लोगों को जन्नत में अपने साथ रहने की बशारत दी।
ये रफाकत जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहेगी, अंबिया की रहेगी, ये नस्ल, रंग, कौम, जात से कोई ताल्लुक नहीं रखती, ये आम है। जो भी अल्लाह का बंदा इन मर्तबों का होगा, अल्लाह ताला वो मुनाम अलैहिम को उनके साथ रखेंगे। हजरत काब इब्ने असलमी रदी अल्लाह नो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रात गुजारते थे। एक रात तहज्जुद के वक्त रबिया इब्ने काब असलमी ने हुजूर के लिए वुजू का पानी, मिसवाक वगैरह जरूरियात लाके रखी। आपने खुश होकर फरमाया कि अब दुआ करने वाला हूं, बता तेरे लिए क्या दुआ करूं, क्या मांगता है। ये कबूलियत की घड़ी होगी, हुजूर ने फरमाया। वैसे हुजूर की सब घड़ियां कबूलियत की अल्लाह के यहां दुआ के एतबार से। तो उन्होंने अर्ज किया, मैं जन्नत में आपकी रफाकत चाहता हूं। कहा कुछ और मांगो। फरमाया यही चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ये बड़े अजीब और गरीब सहाबी रहे, जिन्होंने न दुनिया मांगी, न दुनिया की कोई नेमत मांगी, न कोई और चीज मांगी। मांगी तो सोहबत रसूल और रफाकत रसूल मांगी। हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हो के लिए हुजूर ने फरमाया, रफीकी फिल जन्नत उस्मान, हजरत उस्मान जन्नत में मेरे रफीक होंगे। उनके बाद आमाल, सखावत, हया, इन तमाम खूबियों और कमालात की वजह से। तो रबिया इब्ने काब असलमी रदी अल्लाह ताला अन्हो से हुजूर ने फरमाया कि जब यही तुम्हारी चाहत है तो फिर मेरी मदद करनी पड़ेगी। आइनी आला नफ्सी का बिकसरत सुजूद, यानी तुम्हारा मकसद हासिल हो जाएगा लेकिन उसमें तुम मेरी मदद करो, और वो इस तरह से कि कसरत से सज्दे किया करो, यानी नवाफिल कसरत से पढ़ा करो। इससे ये पता चला कि नफलें कसरत से पढ़ने से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफाकत और सोहबत जन्नत के अंदर नसीब होगी। ये सोहबत और रफाकत की सच्ची शक्ल और असली हकीकत तो उसी वक्त सामने आएगी। कुछ चीजें मैंने ऊपर जिक्र भी की। मुस्नद अहमद में है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स है और अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, मैं इस बात की शहादत दे चुका हूं कि अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और मैं 5 वक्त की नमाजों का पाबंद हूं और जकात भी अदा करता हूं और रमजान के रोजे भी रखता हूं। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो शख्स इस हालत में मर जाए वो अंबिया सिद्दीकीन शुहदा के साथ होगा। शर्त यह है कि मां बाप की नाफरमानी ना करे। तिर्मिजी शरीफ की हदीस है, अत्ताजिरु सदूकुल अमीन, सच्चाई और अमानतदारी के साथ तिजारत करने वाला ताजिर, मान नबीयीन व सिद्दीकीन व शुहदा, नबीयीन सिद्दीकीन शुहदा के साथ होगा।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि उस शख्स का क्या दर्जा होगा जो किसी जमात से मोहब्बत और ताल्लुक रखता हो मगर अमल में उनके दर्जे तक नहीं पहुंच सकता। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा वाज़े इरशाद फरमाया, अल मरउ मा मन अहब्बा, यानी महशर में हर शख्स उसके साथ होगा जिससे मोहब्बत होगी। तो रफाकत रसूल की एक वजह मोहब्बत रसूल भी है और दूसरी वजह इताअत रसूल और इताअतुल्लाह भी है। आजकल हमारे नौजवान क्रिकेटरों से, फिल्मी हीरोओं से मोहब्बत रखते हैं, उनका हश्र क्या होगा, जबकि हुजूर फरमाते हैं कि अगर रफाकत दरकार है तो मेरी मोहब्बत, और मोहब्बत है तो अलामात मोहब्बत भी पाई जानी चाहिए, और वो इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके जरिए से कुर्ब नसीब होगा। अब ये एक बहस हुई अपनी जगह के, एक ही आदमी के अंदर ये सब खूबियां जमा हो सकती हैं या ये अलग अलग दराजात हैं, दोनों तरफ जाने वाले गए हैं। बाज ने फरमाया कि एक ही शख्स के अंदर ये सब दराजात जमा होते हैं, जैसे एक आदमी के अंदर हाफिज, कारी, आलिम, मुफस्सिर, मुफ्ती, फकी, ये सब चीजें एक में जमा होती हैं, इस तरह नबी के अंदर सालेहियत, शहादत, सिद्दीकियत, ये सब शामिल हो सकता है। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुतालिक फरमाया, इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया, और यहिया अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, नबियम मिनस सालेहीन, और बाद हजरात कहते हैं ना ये मुस्तकिल दरजात हैं, और फिर दरजात की तारीफें अलग अलग लिखी हैं। सिद्दीकीन वो लोग हैं जो मारिफत में अंबियाए किराम के करीब हैं। उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई शख्स किसी चीज को दूर से देख रहा हो। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो से किसी ने पूछा कि क्या आपने अल्लाह को देखा है, आपने फरमाया, मैं किसी ऐसी चीज की इबादत नहीं कर सकता जिसको न देखा हो। फिर फरमाया, अल्लाह को लोगों ने इन आंखों से तो नहीं देखा लेकिन उनके कुलूब ने हकायक ईमान के जरिए से देख लिया है। इस देखने से हजरत अली की मुराद इस किस्म की रूयत है कि इसको मारिफत इल्मी की मिसाल कहा जा सकता है। शुहदा यह तीसरा दर्जा है, ये वो लोग हैं जो मकसूद को दलाइल और बुरहान के जरिए से जानते हैं, मुशाहदा नहीं। उनकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई शख्स किसी चीज को आईने में करीब से देख रहा हो। जैसे हजरत हारिसा ने कहा कि मुझे यूं महसूस होता है कि मैं अपने रब्बे करीम के अर्श को देख रहा हूं, और हदीस में भी फरमाया, अंताबुदल्लाह कअन्नका तराह, इबादत रब की ऐसी करो गोया के तुम उसको देख रहे हो। चौथा दर्जा सालिहीन का वो लोग हैं जो मकसूद को तकलीद और इत्तेबा के जरिए से पहचानते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई चीज, कोई शख्स आईने में दूर से देखे, इसको फरमाया, फइल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यराका, तुम अगर नहीं देखते तो अल्लाह तो तुम्हें देख ही रहा है। बहरहाल ये दराजात हैं और ये अल्लाह और उसके रसूल के कुर्ब को हासिल करने का बेहतरीन वसीला है।
आज के सबक का खुलासा, ईमान वालों की दोनों किस्म की कुर्बानियां हैं। एक कुर्बानी जानी भी उन्होंने दी है मुख्तलिफ मयादीन में, जंगों में, गजबों में पेश पेश रहे, शहीद हुए, सर धड़ की बाजी लगाई, शहादत के जाम नौश फरमाए, इस पर भी पूरी तरह अमल करके दिखलाया। यहूदियों का तान और तशनी गलत है। और दूसरा तर्क वतन करके तो मुहाजिरीन ने सख्त कर दिया और साबित कर दिया कि वो दीन के लिए क्या कुर्बानियां दे सकते हैं। और जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा वो मुनाम अलैहिम के साथ रहेगा। वो मुनाम अलैहिम के चार दर्जात बयान फरमाए कि इनकी रफाकत और सोहबत नसीब होगी। अब किस तरह से होगी वो तफसील भी मैंने आपके सामने रखी, और इसकी सच्ची हकीकत को अल्लाह ही जानता है, उस पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन कोशिश हरेक की ये होनी चाहिए कि हमको ये रफाकत और सोहबत अल्लाह ताला नसीब फरमा दे, और उसकी शरायत को पूरा करना चाहिए कि अल्लाह से मोहब्बत रखे, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत रखे, मोहब्बत के साथ इताअत का पूरा जज्बा रखे, कुर्बानियां देने के लिए हर वक्त तैयार रहे, और आमाले सालिहा में अपने आप को जोड़ कर रखे। रमजान का ये मुबारक महीना अपने आप को आमाले सालिहा में जोड़ कर रखने का है। अल्लाह ताला हमें कसरत से आमाले सालिहा की तौफीक अता फरमाए, हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए, आमाल को कबूल फरमाए, तरावी को कबूल फरमाए, बीमारियों को दूर फरमाए, सब वबाएं नेस्त व नाबूद फरमाए, हालात को अल्लाह ताला साजगार और हमवार फरमा दे हमारे हक में और पूरे आलम के हक में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة تنجينا بها جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اس مہینے کو اے اللہ جو مبارک مہینہ ہے حقیقت میں برکت والا بنا دے رحمتوں والا بنا دے پہلا عشرہ رحمتوں کا دوسرا عشرہ مغفرت کا تیسرا عشرہ نجات من النار کا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اے اللہ ہمیں رمضان میں روزوں کی توفیق عطا فرما عافیت نصیب فرما قرآن کریم کی تفسیر روزانہ سننے کی ہمت عطا فرما اور ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یہ محنت کو اللہ قبول فرما کارگر فرما جو حضرات اپنا وقت دے کر سن رہے ہیں اللہ ان سننے والوں کو بھی قبول فرما اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کر جو مانگا ہے اپنے فضل سے رمضان کی برکت سے جبکہ دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ عطا فرما اے الہ العالمین ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرما طرح طرح کے اعتراضات آج قرآن پر ہو رہے ہیں اللہ ہم سمجھیں گے تو یہ سب اعتراضات کا جواب بھی دے سکیں گے اور ہمارا دل مطمئن رہے گا اے اللہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما سننے کی بھی توفیق عطا فرما تراویح میں بھی سننے کی توفیق عطا فرما اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو مقروض ہیں غیب سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما اپنی رضا دائمی عطا فرما اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین